तो हर हर महादेव फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा और मैं आ चुका हूं श्री काशीनाथ कॉरिडोर का एक नया लेटेस्ट वीडियो आप सभी के सामने लेकर। यहां पे आप सभी देख सकते हैं ये मणिकर्णिका घाट है, जहां पे बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। आप सभी देखिए इधर शव का अंतिम संस्कार और इधर पर कई लोग हैं, ये भी काफ़ी डेवलप हो चुका है। और आप सभी को बता दें यहाँ पर कई मशीनें लगी हुई हैं जो अपना अपना वर्क कर रही हैं। यहाँ पर देखिए जेसीबी भी लगी हुई है और बाकी कई मशीनें हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये सभी गंगा जी को पाटने का कार्य चल रहा है यहाँ पर, और इसको यानी विस्तार करके मिट्टियों को आगे ले जाके गंगा जी में नए नए चबूतरे और नए जगह बनाए जाएंगे और सीढ़ियाँ भी बनाई जाएंगी, यानी जो मणिकर्णिका घाट है उसे और भी बड़ा किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं इधर सीवर और बाकी चीज़ों का कार्य है। चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आप सभी को। इस साइड देख सकते हैं पूरा मिट्टी गीला हो चुका है और आगे ये पूरा सीढ़ी था पुराना जो कि उसे धोया जा रहा है। सभी देखिए काफ़ी पुराना है और यहाँ पे कई ऐसे वर्क है जो अभी अभी कंप्लीट नहीं हो सके हैं और अभी हो चुके हैं, तो बहुत से ऐसे वर्क है फ्रेंड। ये पूरा मणिकर्णिका घाट है जो काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं कितना वर्क हुआ है कितना नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी बहुत सा वर्क बचा हुआ है, डिफिकल्ट रास्ता है यहाँ पे, देखिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पे कई मशीनें लगी हुई हैं, आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाने का काम चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। अभी जितनी भी सीढ़ियाँ नहीं बनी थी वो बनकर तैयार हो गई हैं और जो नहीं बना है वो उसे बनाने का काम जोरों पर है। यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, देख सकते हैं सभी मजदूर और कारीगर ठेकेदार पाइप हटाने का काम देखिए यहाँ चल रहा है, यानी कि सीवर का काम यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पे जो ये बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, तो 40 सीढ़ी और बाकी लिफ्ट की जितने भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें जोरों से कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप सभी समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से काम चल रहा है फ्रेंड्स। ये बन जाने के बाद काफ़ी सुगम रास्ता हो जाएगा आप सभी के लिए। इधर आगे जेटी का भी काम चल रहा है जो कि जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस साइड देख सकते हैं पत्थर बिछाने का काम चल रहा है फ्रेंड्स। तो बहुत दूर तक सीढ़ियाँ बन चुकी हैं और यहाँ पे सीढ़ी बन रहा है, पत्थर लगाने का काम चल रहा है। इस साइड देख सकते हैं सभी, इधर भी पत्थर बिछाने का काम जोरों पर है। उसके बाद पत्थर बिछाने के बाद यहाँ पे सीमेंट से उसको अच्छे से व्यवस्थित किया जा रहा है। इस साइड देखिए आप सभी, तो मैं आप सभी को बहुत ही विस्तार से आज दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स। आज की वीडियो काफ़ी लंबा होने वाली है, लंबी होने वाली है, तो आप सभी को मेरा सहयोग करना पड़ेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और समझें क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला है। मैं सभी जानकारी आप सभी को देता रहूंगा ऐसे ही, बस आप सभी मेरी हेल्प करते रहें और आगे ऐसे वीडियो देखते रहें। इस साइड देख सकते हैं सभी मज़दूर, कुछ लोग खाना खा रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। बालू भी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से दिखाई दे रहा है, यानी उधर से खड़े होकर यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ से खड़े होकर वहाँ का नज़ारा भी देखा जा सकता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब नज़ारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लगभग देसी नहीं विदेश से भी लोग आते हैं दर्शन करने बाबा का। तो काशी विश्वनाथ मंदिर पूरे विश्व में काफ़ी फेमस है जो कि आप सभी को बखूबी पता होगा।
यहाँ पे भी वर्क चल रहा है, सभी देख सकते हैं। कुछ मजदूर खाना खा रहे हैं तो कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, तो कंटिन्यू यहाँ पे वर्क चलता रहता है फ्रेंड्स। इसकी वजह से खाना खाने के लिए लोग घर नहीं जा पाते हैं, तो यहीं पे फ्रेंड्स जो घर से खाना लेकर आता है वो खा लेता है, या फिर यहीं से मंदिर प्रशासन की तरफ से दिया जाता है। तो बारीकी से आप सभी समझें। मणिकर्णिका घाट का देख सकते हैं कितना विस्तार हो रहा है, और गंगा जी को पाट कर और यहाँ पे और चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, जो कि आप सभी देख सकते हैं। अगर आप सभी के मन में कोई भी ख्याल हो या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और हाँ आप सभी मेरा हेल्प करते रहें फ्रेंड्स। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी भक्त आए हैं उन लोगों के मन में भी काफ़ी सवाल है, तो फाइनली नीचे आप सभी देख सकते हैं सभी लोग अपना अपना तर्क लगा रहे हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं बनने वाला है। तो आप सभी को बता दें कि यहीं पर महाशमशान घाट है, यानी मणिकर्णिका घाट, जो कि अब पूरी तरीके से डेवलप हो रहा है। कुछ वर्क हो गए हैं और कुछ होने बाकी हैं, जो आप सभी को वीडियो में नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स। सीमेंट काफ़ी मात्रा में रखे गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कई मशीनें हैं जो कि मशीनों द्वारा सीमेंट बालू गिट्टी से उसे ढलाई किया जा रहा है। उसके बाद इसके बन जाने के बाद वहाँ पर पत्थर चिपकाने का काम किया जाएगा। देख सकते हैं कुछ लोग नाव से भी आ रहे हैं यहाँ पे। आप सभी को बता दें, अगर आप सभी श्री काशीनाथ कॉरिडोर आना चाहते हैं, अगर राजघाट हैं आप सभी, तो डायरेक्टली घाट से चलकर ही आ सकते हैं, और अगर श्री काशीनाथ कॉरिडोर से डायरेक्टली आप राजघाट जाना चाहते हैं तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई होगी आप सभी को फ्रेंड्स। सो इधर से अभी ना जाएँ, दशाश्वमेध घाट वाला रास्ता जो है वो पकड़ सकते हैं आप सभी। तो सीढ़ियाँ लगभग तैयार हो चुकी हैं, कुछ जगह अभी बाकी हैं तो बन रहा है अभी। यहाँ पे देखिए पत्थर का काम, और इस साइड ललिता घाट जलासेन घाट। तो हम लेकर चलेंगे आप सभी को अंदर। ये सीढ़ियाँ तो बन नहीं रही हैं, बन ही रही हैं, लेकिन अंदर मैं ले चलूँगा आप सभी को। साइड भी वर्क चल रहा है, सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो द्वार के अंदर मैं आ गया। ये कारपेट, मैंने बताया था कि कारपेट क्यों लगाया जा रहा है यहाँ पे, चटाई टाइप। अब यहाँ से आप सभी नज़ारा देखिए बाबा का, लगभग 50,000 वर्ग मीटर में बना दिया गया है। लगभग 200 से 250 मकानों को तोड़ा गया है, करोड़ों रुपए खर्च आए हैं इसमें, लगभग 120 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कि डेवलप हो रहा है यहाँ पे। और आप सभी को बता दें, बाबा के दरबार में आप सभी जाएंगे तो वहाँ पे गर्भगृह जो है, वहाँ पे जितना भी अंदर दीवारें हैं सोने की परत से फ्रेंड्स उसे संवारा जा रहा है।
नक्काशी बहुत ही सुंदर की गई यहाँ पे। इधर वर्क चल रहा है और ये देख सकते हैं सभी, इस साइड भी अभी वर्क चल रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी बने हुए वीडियो में। तो बैठने के लिए दोनों तरफ यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा डेवलप बहुत ही अच्छे से किया गया है यहाँ पे। इस साइड वर्क चल रहा है, अभी चल के मैं दिखाऊंगा बने हुए वीडियो में लाइव तक। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी हैं जिन्हें वस्त्र ओढ़ा दिए गए हैं पूरे तरीके से, आप सभी देख सकते हैं, भगवा कलर का वस्त्र है एंड येल्लो है। पीने का शुद्ध जल, अगर आप सभी बाबा के दरबार में आए हैं और किसी भी वजह से थक गए हैं तो रेलिंग की सुविधाएँ, यहाँ पे पानी पीने की सुविधाएँ, साइड वर्क हो रहे हैं, आप सभी देखिए। मैं ये वर्क दिखाते हुए आप सभी को चलते हैं, ये दुकानें हैं साइड, जगह जगह दुकानें बनाई गई हैं, किस परिसर से अंदर ही रहें यानी बाहर ना जाने की कोशिश करें, यहाँ पे सभी सुविधाएं आप सभी को प्रोवाइड हो जाएंगी। ये साइड वर्क चल रहा है अभी, इस साइड भी कई चीज़ें हैं बनाई गई हैं। पूरा परिसर देख सकते हैं सभी, जगह जगह ये बनाया गया है डस्टबिन। ये दिखाते हैं स्वचालित सीढ़ियाँ, यहाँ पे कई लाइटें लगाई गई हैं, बहुत ही कीमती यहाँ पे पत्थर लगाए गए, मार्बल लगाए गए जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे देखने में। क्या किए थे, क्या कर रहे थे, जगह
ये शौचालय सीढ़ी और यहाँ पे वर्क हो रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं दीवारें हैं पूरी मकाने दीवारें और बाकी इधर मंदिर हैं जो डेवलप करने का कार्य हैं। ये डस्टबिन है जो लोहे की बनाई गई है। जगह जगह सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कई मकाने हैं, कई रूम्स हैं जो कि आने वाले दिनों में सभी भक्तों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं, क्योंकि इसी परिसर में सभी दुकानें सभी जो कि चीज़ें होंगी। तो कारपेट तंबू यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं सभी बारीकी से। ये थोड़ा हम भी ऊपर चलते हैं जल पीकर शुद्ध जल का आनंद लेकर बताते हैं आप सभी को कैसा लग रहा है। तो ये है फाइनली लोटा जो कि यहाँ जल पहले से ही भरा हुआ है, किसी ने भरा हुआ है और यहाँ पे अगर आपको भरना है तो फाइनली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भर गया और यहाँ पे हम लिए। अच्छा पानी है तो सीढ़ियों पे चलेंगे आप, नीचे का नज़ारा। पूरा परिसर काफ़ी खाली है, काफ़ी कम लोग आए हुए यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप सभी यहाँ देखिए भव्य नज़ारा, रेलिंग और बाकी चीज़ें बहुत ही शानदार लग रही हैं यहाँ पे। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे यहाँ की लाइटें ऑन हो रही है फ्रेंड्स। जैसे शाम हो जाएगी रात हो जाएगी वैसे लाइटें बहुत ही जल्दी ऑन भी हो जाती हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो फाइनली इस तरफ शौचालय सीढ़ी है जो अभी नहीं चल रहा है और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मंदिरें हैं जो यहाँ पे वर्क लगाए, मतलब पत्थर लगाए जा रहे हैं वर्क थ्रू। इस साइड नेपाली मंदिर जाने का रास्ता मैं अभी चलूँगा आप सभी को दिखाऊँगा। चलिए आप सभी को मैं नेपाली मंदिर ही घुमा देता हूँ पहले। तो इस तरफ तो नेपाली मंदिर है, इस तरफ भी वर्क हो रहे हैं सभी, देखिए यहाँ पे सब जगह वर्क चल रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से गाड़ियाँ आने जाने की सुविधाएं हैं, देख सकते हैं सभी, यानी ऐसे इधर से गाड़ी आए और इस साइड चले जाए
यहाँ पे नए गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जो ओल्ड थी उसे नया किया गया है। यहाँ पे ये पूरा परिसर जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, पूरा पेड़ लगाया गया है यहाँ पे। इधर भी काफ़ी काम चल रहा है। तो इस रास्ते आप सभी नेपाली मंदिर जा सकते हैं, जहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री आ चुके हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर को। इसी रास्ते से हम चल सकते हैं। इसमें देखिए पूरा परिसर काफ़ी भव्य बनाया गया है, काफ़ी मकानों को तोड़ा गया है। सामने एक मकान वो दिखाई दे रहा है आप सभी को, रेड कलर का। तो फाइनली ऐसे आ सकते हैं आप सभी। तो नेपाली मंदिर कैसे जाएंगे आप सभी ने देखा उस वीडियो में। थोड़ा सा रास्ता और थोड़ा सा दूर है, तो मैं ले चल रहा हूँ सभी को। बस चलते रहिए आप सभी मेरे साथ। मकान इस तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, पीछे का रास्ता ये सब दुकानें मकान, और ये रास्ता उतरती है ये नेपाली मंदिर परिसर। तो फाइनली यहाँ से आप सभी नेपाली मंदिर, और यहीं से आप सभी दशाश्वमेध घाट भी जा सकते हैं उतर कर। तो ये सब पूरी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे वर्क चल रहे हैं जो कि अभी छोड़ दिया गया है किसी कारण। तो ये पशुपतिनाथ मंदिर शेर बहादुर देववा जीव कुमारसी को ललिता घाट स्थित श्री साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ मंदिर माँ हार्दिक स्वागत छे। देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए थे तो लगाया गया यहाँ पे एक परिसर है। तो ये पशुपतिनाथ मंदिर, देख सकते हैं ये सब पूरा। तो ये पूरा मंदिर परिसर है, और यहाँ से आप सभी नीचे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी भव्य नज़ारा है यहाँ का। ये ललिता घाट और जलासेन घाट है जो कि आप सभी को दिखाई दे रहा है। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्नान किया था, और बालू बीच इस साइड दशाश्वमेध घाट। तो ये पशुपतिनाथ मंदिर आपने देख लिया है, ये देखिए दो सिंह यहाँ पे लगाए गए हैं। ये मंदिर है सर, पूरा परिसर। यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, यहाँ से उतर सकते हैं आप सभी। तो चलिए वापस चलते हैं हम सभी। तो भूमि पूजन कार्य यहाँ पे किया गया था आप सभी ये देखिए। सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देववा द्वारा वाराणसी कोलिता घाट स्थित श्री साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में निर्माण होने वृद्धाश्रमों को लागी भूमि पूजन कार्य माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीव। यहाँ पे उत्तर प्रदेश को गरिमामयी उपस्थिति संपन्न भयो 2076-12-20। तो 3 अप्रैल को ये सब कार्यक्रम हुए थे यहाँ पे, देख सकते हैं आप सभी। तो ये परिसर हम छोड़ के अब चल रहे हैं बाबा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। तो पशुपतिनाथ मंदिर आप सभी ने देखा, चारों तरफ ये घंटे लटकाए गए इस मंदिर में। काफ़ी अच्छा मंदिर है ये, काफ़ी मान्यता है यहाँ की भी। तो हम वापस चलेंगे फ्रेंड्स। तो इस साइड वेल्डिंग कटिंग का काम चल रहा था, ये ऑक्सीजन ले जा रहे हैं। तो बहुत ही
शानदार यहाँ का कार्यक्रम है, कार्य है, जिसे काम करने के लिए जोरों से लगाया गया है, जोरों से काम किया जा रहा है, सभी देख सकते हैं। पूरा परिसर ये पेड़ जगह जगह लगाए गए हैं कि भक्तों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। तो देख सकते हैं फाइनली फिर से हम वही आ चुके हैं, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की जो लॉकर के साइड। ये मंदिर है, श्री मान धातेश्वर महादेव मंदिर। मैंने कई वीडियो में दिखाया, देख सकते हैं सामने मान धातेश्वर मंदिर, कई सारी मान्यता यहाँ की भी है। और ये भारत माता का मूर्ति बनाया गया यहाँ से, आप सभी देख सकते हैं बारीकी से। यहाँ पे लाइटें भी लगाई गई हैं, ग्रेनाइट और बाकी पत्थर से बनाया गया है। उनके पीछे मेटल शायद है, तो कई चित्र भी बनाए गए हैं। इस साइड लॉकर देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, जो कि यहाँ से कंटिन्यू पंखे चलते रहते हैं 24 घंटे, यहाँ की लाइट नहीं जाती है। ये पूरा परिसर है जहाँ पे आप सभी को प्रसाद और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे लॉकर हैं, सबसे कम रेट पे प्रसाद यही मिलेगा, लॉकर फ्री है यहाँ पे। और कहीं जाएंगे आप सभी, ज़्यादा पैसे सभी लोग चार्ज करते हैं अन्य जगह इसको छोड़कर, तो यहीं हैं आप सभी। ठीक है, ये मंदिर की तरफ से लगाया गया है लॉकर। यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग होती है दर्शन, यानी जितनी भी आरतियाँ हैं यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग इस साइड, और प्रसाद वितरण भी होता है, रुद्राभिषेक का टिकट यहाँ मिलता है, आरती की सभी टिकट यहाँ पे मिलता है, डोनेशन का काम भी यहाँ पे होता है, यानी डोनेशन पर्ची भी कटती है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे जाने के बाद चेकिंग होती है।
तो धीरे धीरे लाइटें ऑन हो रही हैं यहाँ की, ये मशीनें आई यहाँ पे परिसर के अंदर, आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बाबा का भव्य दरबार, बगल में चंद्रगुप्त महादेव मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे चेकिंग होने के बाद ही अंदर लोग जा रहे हैं, ऊपर धीरे धीरे लाइटें जल रही हैं। तो पूरा परिसर आप सभी देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। चंद्रगुप्त महादेव जी का मंदिर ये, जो काफ़ी पुराना है, इसे सजाया गया है, जीर्णोद्धार का काम यहाँ पे किया गया है। देख सकते हैं तो पूरा परिसर ये।